हेलो एवरीवन, कैसी है आप सबकी तबीयत। हम सबने जिंदगी में कभी ना कभी डोरेमोन कार्टून तो देखे ही हैं, लेकिन डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसके पीछे बहुत सारे हिडन मैसेजेस, हिडन ट्रूथ छुपे हुए हैं। ऐसे राज जो जापानी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से छुपाए, और जब ये कार्टून पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में डब होके आए तो इसमें से और ज्यादा सीन्स कट कर दिए गए, जिसकी वजह से हम डिटेल्स में आज भी कंफ्यूज्ड हैं। तो नंबर वन, शिज़ुका का असल बाप कौन है? डोरेमोन की काफी सारी एपिसोड में हमें शिज़ुका के अलग अलग फादर्स देखने को मिले, जिससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि शिज़ुका की माँ एक रन। हम ये भी कर सकते हैं कि उन सारे मर्दों को हम शिज़ुका का पापा मान लें और चुप करके बाकी की एपिसोड्स देखें दाल चावल खाते हुए, लेकिन देयर इज अ रीजन व्हाई गॉड गिव अस ब्रेन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें शिज़ुका के इतने सारे फादर्स देखने को मिले क्यों। इसका हिडन मैसेज है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादीशुदा हो के भी और दो जगह मुंह मारना आपके ताया अब्बू की तरह। जापानी गवर्नमेंट चाहती है कि पूरी जिंदगी बिचलेस रहने का बदला आप शादी के बाद लो, एक से ज्यादा के साथ हुकअप करके। लेकिन कार्टून में भले जितने भी शिज़ुका के पापा दिखाए हों, बट अकॉर्डिंग टू नेचर एंड शालू मैल्फ्रेड्स लॉजिक बुक, शिज़ुका का DNA सिर्फ एक ही आदमी से मैच कर सकता है, और वो इंसान हमें शिज़ुका के घर पे नहीं दिखता, लेकिन कार्टून में अलग अलग जगहों पे दिखता है। देखो, नोबिता का टीचर हमेशा उसको डांटता है, उससे कभी प्यार से बात नहीं करता। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नोबिता हमेशा शिज़ुका के पीछे पड़ा रहता है, और कोई बाप ये झेल नहीं सकता कि उसकी बेटी के साथ कोई फ्लर्ट करे, विच प्रूव्स कि शिज़ुका का असल फादर नोबिता का टीचर है। और वो शिज़ुका लोग के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसने अपनी बीवी यानी शिज़ुका की मॉम को गंदे काम करते हुए पकड़ लिया था। नंबर टू, डोरेमोन कपड़े क्यों नहीं पहनता? हमने डोरेमोन कार्टून जितने भी देखे उसमें सबको कपड़ों में देखा है सिवाय डोरेमोन के। दोस्तों, कार्टून में हमसे ये एक अहम रस छुपाया गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि डोरेमोन फ्री निप्पल मूवमेंट का सपोर्टर है, इसलिए उसको अपने चूचे दिखाने के लिए ओनली फैंस पे नहीं जाना पड़ता। उसकी फेवरेट मूवी है अग्निपथ। जिस तरह मेरी लाइफ में GTA का लीव मी अलोन चीट इम्प्लीमेंट हुआ है ऑटोमेटिकली, उसी तरह क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ये डायलॉग को उसने अपनी लाइफ में इतना इम्प्लीमेंट कर लिया है कि अब उसको सोसाइटी की परवाह नहीं है कौन क्या सोचता है। अभी उसने रिसेंटली PTI ज्वाइन करने का भी प्लान बनाया है, क्योंकि वो जान चुका है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो जीते जी मैं नंगा ही घूम लेता हूँ। लेकिन असल सवाल ये है कि हमें उसका जेनिटल क्यों नहीं दिखता। दोस्तों, जापानी गवर्नमेंट ने डोरेमोन के साथ बहुत जुल्म किया है। जब डोरेमोन सिर्फ जापान में चलते थे तो उसके जेनिटल्स भी विजिबल होते थे, लेकिन जब इस कार्टून को पाकिस्तान भेजा गया तो डोरेमोन का जबरदस्ती खतना कर दिया गया। सर्कमसेशन के लिए डोरेमोन की कोई रजामंदी नहीं थी, वो चीखा, वो भागा, मदद मांगी कि मुझे छोड़ दो, फिर ये सब देख के फाइनली उसको छोड़ दिया गया ट्रेड ब्लेड यूज करने के बाद। नंबर थ्री, सोनियो की सीक्रेट प्रेम कहानी। क्या मैं कभी आपको ओपनली बोल सकता हूँ कि मुझे आपकी सिस्टर पसंद है? नहीं ना, बातों बातों में मैंने आपको बोल दिया। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसकी शुरुआत कैसे होगी? मैं आपके क्लोज आऊंगा, मैं आपके क्लोज आऊंगा, आपसे दोस्ती करूंगा, आपको अपना चड्डी बड्डी बना लूंगा, फिर आपको मुझ पर ट्रस्ट आ जाएगा, और उसके बाद जब मैं आपको बोलूंगा कि मुझे अपनी बहन दे दे तो आप पहले मेरी गुद्दी पे चंबे मारोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सोचोगे, और सोचने के बाद आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि हाँ यार, बंदा चंगा है। यही ट्रिक सोनियो अपना रहे। उसको जियान की बहन पसंद है क्योंकि उसका इंटरेस्ट थिक कर्वी गर्ल्स में है, और सोनियो को जैको में अपनी लैला दिखती है। लेकिन हम जानते हैं कि जियान के सामने जब किसी इंटरेस्टिंग चीज का जिक्र होता है तो उसका इरादा यही होता है कि सबसे पहले वो ही उस चीज को हासिल करे, क्योंकि जियान इनसिक्योर है। और जब सोनियो जियान को बताएगा कि मुझे तुम्हारी बहन जैको चाहिए, तो जियान अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सोनियो से पहले अपनी बहन को खुद ही सेट कर लेगा। फिर उनके बच्चे स्टीफन हॉकिंग की तरह जीनियस पैदा होंगे, लेकिन जब जियान की माँ को इन दोनों के बारे में पता चलेगा तो वो मैरुआना का एक्स्ट्रा डोज लेके सीधा ऊपर चली जाएगी। नंबर फोर एंड फाइनल खुलासा, क्या नोबिता शिज़ुका को हासिल कर पाएगा? इतिहास गवाह है कि नोबिता आज तक कुछ हासिल नहीं कर पाया, चाहे वो मार्क्स हो, बिना गैजेट्स के हेल्प हो, या एक इमो हेयर कट, लेकिन इस कार्टून का हीरो नोबिता है, तो चांसेस सबको यही लगते हैं कि नोबिता शिज़ुका को हासिल कर लेगा। ऐसा नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि शिज़ुका के अंदर आधा उसकी माँ का खून है, इसलिए लड़की बड़ी होकर अब एक गोल्ड डिगर बन चुकी है। ये सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जिससे इसको फायदा मिल रहा हो। होमवर्क के लिए डेकीसुकी, वीडियो गेम्स के लिए सोनियो, फड्डे के लिए जियान, और टाइम पास के लिए नोबिता। लेकिन यहाँ आ जाता है ट्विस्ट। आप खुद सोचो, अगर डोरेमोन ने आज तक नोबिता की इतनी हेल्प की है, इतने गैजेट्स दिए हैं, तो उसने आज तक उसको शिज़ुका क्यों नहीं दिलाई? क्योंकि डोरेमोन भी शिज़ुका से शादी करना चाहता है। वो नोबिता को सारे गैजेट्स देता है, लेकिन शिज़ुका का इंटरेस्ट बिल्ड करवाने वाला नहीं, क्योंकि डोरेमोन को नोबिता का शिज़ुका के पास जाना पसंद नहीं है। वो एक पोसेसिव आशिक है, और वो उस बदसूरत बिल्ली मीचैन के साथ प्यार की एक्टिंग करता है नोबिता के सामने, ताकि नोबिता को उस पे शक ना हो। जल्दी शिज़ुका डोरेमोन से शादी कर लेगी और नोबिता दाढ़ी बढ़ाकर भीड़ी फूकेगा।
मैं चाहता हूँ हम एक हैशटैग अपने प्यारे भाई नोबिता के लिए भी चलाएं, हैशटैग जस्टिस फॉर नोबिता। और आप मुझे देख के शोक भी मना सकते हैं, मैं जानता हूँ मैं नोबिता की तरह दिखता हूँ। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जब डोरेमोन और शिज़ुका सुहागरात व्लॉग बनाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि शिज़ुका एक लेडी बॉय है। डोरेमोन से बर्दाश्त नहीं होता, उसको नीड के टाइम पे अब एक जरूरतमंद की नीड है, इसलिए वो वापस नोबिता के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और फिर नोबिता और डोरेमोन आपस में शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ राज थे जो दुनिया से छुपाए गए, लेकिन मैंने शालू मेलफेड द ग्रेटेस्ट ने एक कदम उठाया ताकि मेरे भाई और उनकी बहनों को ये पता चले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस। चिकन लेग पीस, 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 मसाला राइस।